हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। एक मदरसे के ऊपर एक लड़की ने वीडियो बनाया है और ये बहुत वायरल हो रहा था 2 दिन पहले, तो चले देखते हैं। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी से कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ ऊँटों कुछ हाथी से सूंड कुछ हाथी सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रहे। राष्ट्रगीत किसको पता है, बताओ जल्दी बताओ। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? अच्छा एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत। वेरी गुड, ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। अच्छा क्या क्या पढ़ाई करते हो आप लोग मुझे बताओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? दुरुसुल अशिया। अच्छा इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा? अरबी पढ़ाई जाती है। ओके, अच्छा ये क्या है? इब्तदाई साइंस। इसमें साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान? जी साइंस। इंटरेस्ट आता है आपको, अच्छा लगता है पढ़ने? जी साइंस। हाँ जी। अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा अरबी। अच्छा ठीक है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? तालीमुल इस्लाम। जी। अच्छा इसमें इस्लाम के बारे में बातें बताई जाती है? जी ठीक है, और ये कौन सी किताब है? दुरुसुल लुगातिल अरबिया। अच्छा ये चलिए, और ये कौन सी किताब है भाई? रिमझिम। रिमझिम इसमें क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी। जल्दी जल्दी बता देना, फिर तुम्हारे टीचर आएंगे तो कहेंगे मैं क्लास आप लोग की डिस्टर्ब कर रही हूँ। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वो कितना अच्छा बच्चा है, देखिए वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। जल्दी से नाम बता दो, नाम बता दो, मुस्कुरा रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिलाल। बिलाल कहाँ के हो? लखीमपुर। लखीमपुर से आए हो? आप कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से आए हो? आप कहाँ से आए हो? जिला बस्ती यूपी से। आप बताओ? बहराइच से। बहराइच से आप कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ? बिहार। आप बताओ? सिद्धार्थ नगर। आप बताओ? यूपी। अच्छा लोकल के हो तभी मुस्कुरा रहे हो। अच्छा आप बताओ? आजमगढ़ से हो। आप बताओ? दिल्ली। दिल्ली से आए हो? जी। अच्छा दिल्ली में कहाँ से? बदरपुर बॉर्डर। अच्छा आप बताओ? आजमगढ़। आप बताओ? बिहार। आप बताओ पीछे, जल्दी 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 जल्दी। बिहार। बिहार से आप बताओ? उन्नाव से। अच्छा एक बात का जवाब दो, प्रधानमंत्री का नाम किसको पता है देश की? सब हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बता दो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताना, राष्ट्रपति जी का नाम किसको पता है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा चलिए और स्वतंत्र दिवस बता दो। स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है? 15 अगस्त। अच्छा भारत की राजधानी कौन बताएगा? भारत की राजधानी बताओ। दिल्ली। न्यू दिल्ली। इनको पता था क्योंकि ये दिल्ली के थे। अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों के पास? अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा? इंग्लिश। अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंग्लिश का सब्जेक्ट है? जी। इंटरवल के बाद इंग्लिश होता है? जी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? क्या वो स्टूडेंट है? वेरी गुड। और ये क्या लिखा है? मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम ए प्लेयर। क्या मैं खिलाड़ी हूँ? हाँ। आर यू माई फ्रेंड का मतलब? क्या तुम मेरे दोस्त हो? अच्छा इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं। चलिए पढ़ने अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा। बड़े होके क्या बनोगे? मैं जॉब करूंगा इंशाल्लाह। जॉब करोगे। अच्छा आप क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? ये तो जॉब करेंगे, आप क्या कर रहे हो? मौलाना बनोगे। अच्छा आप क्या बनोगे जल्दी बता दो? मौलाना। अच्छा और आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। अच्छा राष्ट्रगान पता है? जी। अच्छा हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? जनगण। अच्छा अरबी के टीचर कौन है आपके? अरबी के टीचर मौलाना अफान साहब। अच्छा और मौलाना साले जफर साहब। अच्छा और बाकी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है जी। कोई पोयम आती है इंग्लिश में? जी। तुमको आती है इंग्लिश में? इंग्लिश अच्छी रहती है जी, पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है उसमें जी। जी थोड़ा सा इंग्लिश कम आती है, थोड़ा पढ़ना इतना नहीं आती। अच्छा आप बताओ इंग्लिश में कोई पोयम याद है? याद है, अभी याद नहीं आ रही। अच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? नरेंद्र मोदी। अच्छा और मुख्यमंत्री का नाम? आदित्यनाथ। हाँ ये। अरे घबराओ मत, ऐसे बता दो जो दिमाग में आ रहा है। योगी नाथ जी ऐसे नाम? योगी आदित्यनाथ जी। अब तो आपके पास NCERT की तमाम किताबें हैं, देखिए मैं देखना चाहूँगी। यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा दीजिए मुझे, इधर करिए। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से बेटा साइंस की किताब है। हाँ
अच्छा अरबिया। और साइंस की किताब मैंने देखी थी अभी, ये है अरबिया, वो सब्जेक्ट जो इन बच्चों को खूब पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है इब्तदाई साइंस, इब्तदाई साइंस की किताब है ये, इब्तदाई विज्ञान। इसमें क्या सिखाते हैं बेटा? साइंस के बारे में बताया जाता है। साइंस के बारे में बताते हैं यहाँ पे कुछ, ये देखिए ये साइंस के बारे में बताया जाता है, ये तमाम चीजें आपने खुद पढ़ी होंगी। देखिए वो ये लिखी उर्दू में लिखी, ये उर्दू में लिखी ना जी, तो ये लिखी उर्दू में है, लेकिन ये है साइंस की ही किताब जिसमें साइंस के तमाम आप देख सकते हैं, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है वाला फॉर्मूला, ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। तो साइंस अच्छी लगती है कि नहीं? जी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है जी। और नेक्स्ट कौन सी किताब है देख लीजिए, ये कौन सी बेटा? ये उर्दू की है, उर्दू, ये उर्दू की किताब, इसका नाम क्या है? हमारी किताब, हमारी किताब जी, इसका नाम है हमारी किताब, उर्दू की ये किताब है इन बच्चों की। अच्छा अभी तक किस लेसन तक पहुंचे हो आप लोग? ये आपकी कॉपी है जी? अबू बकर कौन है भाई? हमारी कॉपी इधर रखी है। आपकी कॉपी दिखाओ जी। वेरी गुड, कितनी अच्छी राइटिंग है आपकी। मोहम्मद हमजा ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वेरी गुड। अच्छा ये किस चीज की? इंग्लिश जी, है ना जी। अच्छा ये इंग्लिश की इनकी। देखिए ये आपको दिखाने का मेरा कारण ये भी है, क्लास के भीतर इन बच्चों की मैं सिलेबस चेक कर रही हूँ, इनकी कॉपीज चेक कर रही हूँ, ये दिखाने का कारण ये भी है ताकि आप समझें जो आम स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई कराई जाती है बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई भी यहाँ होती है। और चूंकि इनको दीन की पढ़ाई पढ़ाना भी ज़रूरी है जो कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो किताबें भी यहाँ पर हैं, अरबिक की, उर्दू की, और उनके साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान, ये कौन सी किताबें बेटा? गणित। अच्छा कहाँ से हो आप ये बताओ? हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? कश्मीर से। अच्छा जी। अच्छा लग रहा है लखनऊ आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ घूमा वूमा है कि बस ऐसी क्लास में बस पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं जी पढ़ाई भी करते हैं, तो जब उस्ताद से इजाजत मांगते हैं और घूमने भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा जी। तो लखनऊ में सबसे बढ़िया क्या लगता है? लखनऊ में सबसे बढ़िया जी बस हाँ? घंटाघर लग रहा है। अच्छा घंटाघर गए घूमने? वहाँ बहुत अच्छा। घंटाघर गए हो घूमने? जी गए। और भूलभुलैया देखा है? जी भूलभुलैया भी देखा है। अरे वाह, लखनऊ ज़ू गए हो कि नहीं गए हो? नहीं अभी वहाँ। अरे हो क्या ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रिमझिम किताब है हिंदी की, है ना? जी रिमझिम की। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है बेटा? जी आती नहीं थी, यहाँ मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया हमें, हमें कश्मीर में ये सब्जेक्ट नहीं होता स्कूल में, जब से हम यहाँ आए तो मदरसे में हमें ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उस्ताद साहब, ये नूर हक साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया पहले से ही। हमें अपना नाम भी लिखना नहीं आता था हिंदी में, मगर जब से हम यहाँ आए तो हमने हिंदी सीखी माशाल्लाह। बहुत थोड़ी उतनी नहीं सीखी थी, मगर थोड़ी बहुत अपना नाम वाम, अपने घर का नाम, अपने भाइयों भाइयों का नाम बहुत अच्छी तरह लिख पाते हम। तो एक बार मुझे अपना नाम लिख के दिखा दो हिंदी में अपनी कॉपी में जल्दी से। अच्छा कश्मीर में कहाँ रहते हो बेटा? हम कुपवाड़ा से जी। अच्छा कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हमारा कुपवाड़ा है, वो रहते हैं हनवाड़ा में जी। अच्छा जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालो वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी से, कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ ऊँटों, कुछ हाथी से सूण, कुछ हाथी सूण उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। क्या बात है भाई, ताली बजाओ इसके लिए, वेरी गुड। राष्ट्रगीत किसको पता है बताओ जल्दी बताओ? क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, आप बताओ? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। वेरी गुड, ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। तो इस वक्त मैं लखनऊ के मदरसे में बच्चों से बात करने के लिए आई थी, बच्चों से मैंने सोचा टीचर नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में कुछ सवाल पूछ लूँ उनसे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टीचर जो है बच्चों को धीरे धीरे इशारे इशारे से बता दें या पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, तो इसलिए हम बिना टीचर के अकेले चले आए देखने के लिए कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों को क्या क्या आता है, बेसिक नॉलेज जो है वो इनको पता है कि नहीं पता है। क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? आई रीड इन इंग्लिश एंड मैथ, उर्दू, अरबी। अच्छा तो इंग्लिश अच्छी लगती है? यस मैम। इंग्लिश में बात करते हो तो मतलब अच्छी लगती है? यस मैम यस। अच्छा कोई कुछ इंग्लिश में और क्या? अच्छा व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल रब।
अच्छा ओके, तुम्हारे नाम बताओ पहले। मोहम्मद सैफ आलम। सैफ आलम कहाँ के रहने वाले हो बेटे? बिहार। बिहार के हो? ये उर्दू की कॉपी है? जी अरबी की कॉपी है। अच्छा ये अरबी की कॉपी, अरबी अच्छी लगती है? जी। ये उर्दू अच्छी लगती है? अरबी उर्दू दोनों अच्छी लगती है। इंग्लिश अच्छी लगती है? इंग्लिश भी अच्छी लगती है, अरबी अच्छी। मैथ्स अच्छी लगती है? अच्छी सब लगती है, फेवरेट चीज अरबी है। फेवरेट अरबी है जी। अच्छा मैथ्स अच्छी लगती है? जी। अच्छा मैथ्स के सम्स सॉल्व कर लेते हो सारे? अभी तो यहाँ के मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अच्छा यहाँ पे, वहाँ बिहार में नहीं पढ़ाते थे मैथ्स वगैरह सब? पढ़ाते थे, हिंदी ये सब पढ़ाते थे, पर मैं अरबी पढ़ता था ना, मैथ पढ़ने नहीं जाता था। अच्छा वहाँ मैथ्स नहीं पढ़ते थे, अब यहाँ पे तो मैथ्स वगैरह सब पढ़ा रहे, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं मुश्किल नहीं लग रहा, नहीं समझा देते हैं, सब समझा देते हैं। अच्छा आप बताओ आपका नाम बताओ बेटा। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद शाकिब। अच्छा शाकिब भाई आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ? बिहार। बिहार से हो? बिहार से ज़्यादातर बच्चे हैं भाई, बिहार से आप लोग सब बहुत सारे सब बच्चे यहाँ पर आ गए। प्रधानमंत्री का नाम पता है? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा और मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? जी। बताओ। बिहार के नीतीश कुमार जी। अच्छा और यहाँ यूपी के तो बता दो? योगी आदित्यनाथ। हाँ जब यूपी के तो यूपी के पूछ लेंगे, बिहार के तो नीतीश कुमार जी है ही है। जी। अच्छा और बताएं भाई आपका नाम बताओ जल्दी। मोहम्मद शर्फे आलम। शर्फे आलम क्या पढ़ाई कर रहे हो? सब इंग्लिश अंग्रेजी अरबी हिंदी उर्दू सब पढ़ते हैं। अच्छा इंग्लिश अंग्रेजी तो एक ही होता है, हिंदी अच्छी लगती है? सब अच्छी लगती है। अच्छा नाम वगैरह लिख लेते हो अपना? सब कुछ लिख लेते। अच्छा सिखा दिया यहाँ पे। अच्छा पहले रहने वाले कहाँ के हो? मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? जी। अच्छा तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हो? जी। अच्छा अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह पढ़ाते थे? नेपाल में हिंदी नहीं होती है, नेपाली होती है। नेपाली होती है? अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी होती है तो यहाँ पर तो हिंदी है तो पढ़ रहे हो, मुश्किल लग रहा है? नहीं मुश्किल नहीं उतना लग रहा है, असातिज़ा सब मेहनत करा रहे हैं तो मुश्किल नहीं लग रहा है। आप बताओ आपका नाम क्या है? इरफान आलम। इरफान जी। इरफान प्रधानमंत्री का नाम पता है? पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा स्वतंत्रता दिवस क्या इतने कॉन्फिडेंटली बता रहे हो? स्वतंत्रता दिवस बता दो। 15 अगस्त को बोलते हैं। अच्छा गणतंत्र दिवस बता दो। 26 जनवरी। अच्छा भारत की राजधानी बता दो। जी भारत की राजधानी? भारत की राजधानी दिल्ली। अरे ताली बजा दो भाई। कहाँ से आए हो? आसाम से। आसाम से आए हो इतनी दूर से? जी। अरे तुम्हारे आसाम में तो ठंडी रहती है, तो इतनी गर्मी है, गर्मी में अच्छा लगता है तुम लोग को? यहाँ के रहने यहाँ रह के मतलब आदत हो गई है। आदत हो गई है? कितना समय से यहाँ पे आए हो? 6 साल हो गए। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ना ठीक है, इंग्लिश हिंदी साइंस और अरबी उर्दू जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो और भी तमाम है उनको भी अच्छे से पढ़ना। ओके तो जोर से बोल दो ओके। वाह तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और इस लड़की का जो मतलब सवाल पूछने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कोई भी इससे मतलब अजीब महसूस नहीं कर रहा था और सभी कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, और वो बहुत जल्दी जल्दी सवाल पूछ रही थी क्योंकि एक वीडियो बनाना होता है मतलब बहुत सारे टॉपिक लेकर, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उनसे सवाल पूछे और उनके जवाब भी बहुत अच्छे से आए, और वो तो बड़े बड़े मतलब जो लड़के होते हैं उन्हें तो पता ही होगा, कोई आसाम से आया था, कोई नेपाल से, कोई बिहार से, बिहार से ज़्यादातर थे, और यूपी का, यूपी में था ये शायद मदरसा लखनऊ। हाँ तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितने सारे लोग जो है दीन पर विश्वास रखकर दीन की जो सीख है वो अपने बच्चों को देने के लिए मदरसे में भेजते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, वहाँ पर साइंस भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है और हिंदी भी पढ़ाया जाता है। तो और उन लड़कों को सब कुछ पता था कि मतलब भारत की राजधानी, राष्ट्रगीत या सब कुछ पता था उन्हें, और मेरे ख्याल से इफ्तदाई साइंस का मतलब भूगोल होगा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर भूगोल कहते हैं उसे, जो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हाँ। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और इनकी जो मतलब मुझे पहले लगा था कि मदरसे में सिर्फ इस्लाम के बारे में ही तालीम देते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि अगर इन्होंने मदरसे पर वीडियो बनाया है तो शायद ऐसा होगा कि सिर्फ इस्लामी बातें उन्हें सिखाई जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ तो उन्हें पता है। और हम भी तो देखते हैं जो मौलाना होते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने मतलब बहुत से बच्चों ने ऐसा कहा है कि हमें आगे जाकर मौलाना बनना है, और मौलाना लोग हम देखते हैं कि जो होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है, साइंस भूगोल या आप इतिहास भी पूछ लो, उन्हें कुछ भी मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उन्हें पता नहीं होता है,
क्योंकि वो बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें बयान देना होता है, कभी कभी दूसरों के सवालों के जवाब देने होते हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है सभी अभ्यास करना होता है, सभी स्टडी कर कर ही वो मौलाना बनते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ भी कमी नहीं थी इस मदरसे में, सब कुछ पढ़ाया जाता था क्योंकि मतलब उस और बहुत अच्छी बात है कि उसमें दिन की भी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि दिन से अपने दिन से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और दिन की पढ़ाई करने में हमारी किताब उनका एक नाम है, उस किताब में शायद से दिन की पढ़ाई की कराई जाती है। और उस लड़की ने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं उनको पूछा, मतलब बाहर के जो मदरसे है बिहार और यो मतलब जो नेपाल वगैरह है वहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, और ये जो मदरसा है यूपी में है लखनऊ में, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनके लिए नए हैं। और बहुत से लोग बच्चों को तो अरबी बहुत अच्छी लगती है, सभी बच्चों को, और जिस मतलब एक छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा भी नहीं था, उससे वो कंटिन्यूसली सवाल पूछी जा रही थी कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैथ भी अच्छा लगता है, साइंस भी अच्छा लगता है, अंग्रेज़ी भी अच्छा लगता है, तो उसने बहुत मतलब होशियारी से जवाब दिया, अच्छे तो सभी लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा अरबी लगता है, क्योंकि तो, मेरे ख्याल से कुरान अरबी में है। हाँ। और अरबी में डायरेक्टली कुरान पढ़ना मेरे ख्याल से सबसे एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होगी। हाँ। जो अरबी कुरान पढ़ते हैं उनके और लिए बहुत अच्छी बात है, माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मदरसे में भेजते हैं, मतलब दीन की आदत लगती है, सब कुछ पता होता है, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे मतलब आम कॉलेजों में या पढ़ाया जाता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं पढ़ाए जाते, वो सभी पढ़ाया जाता है, तो सब कुछ सब एक एक्स्ट्रा किताब होती है। हाँ, जो दीन की होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।